भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात चर्चित दवा व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ डीएसपी एसडीओ की बैठक हुई। बैठक में रौनक को मौन श्रद्धांजलि दी गई। घटना को लेकर व्यवसायियों ने अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कह रही है। आपको बता दें कि जिस गली में हत्या हुई है वहां से पुलिस को कई बार शिकायत मिली कि यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। आखिरकार एक व्यवसायी के बेटे की हत्या हो गई। इधर पुलिस ने दबाव के बाद 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। घटना के 60 घंटे बाद भी अपराधी पुलिस की चंगुल से फरार हैं। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। अभी विभिन्न व्यावसायिक संगठन की बैठक जो है भागलपुर के एसडीएम साहब और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ ये की गई है, और कुल मिलाकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंदर में इस केस का हम उद्भेदन कर देंगे और जो भी अपराधी इस गतिविधि के अंदर में संदिग्ध में है उनकी पकड़ धकड़ 2 दिन के अंदर में कर ली जाएगी। हम लोगों का मांग यही है कि पुलिस की गश्ती जो है वो प्रॉपरली भागलपुर के शहर के अंदर में छोटी छोटी गलियां जो है जिसके अंदर में जो है अपराध का हमेशा भय बना रहता है उनके अंदर में प्रॉपरली तरीके से पुलिस गश्ती करवाए। डर का माहौल है अभी बाजार के अंदर, निश्चित तौर पर जी जिस तरीके की घटना हुई है और जिस निर्ममता से ये हत्या की गई है, एक छोटे से बच्चे को एक नहीं 6-6 गोलियां दागी गई है, उससे स्वाभाविक भय का माहौल व्याप्त है। और यही कारण है कि आज पूरा व्यापारी समाज एकजुट होकर के सारे व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि आज इस चैम्बर के हॉल के अंदर में उपस्थित है। निश्चित तौर पर मिलेगा, हमें भागलपुर पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है और आज इनसे जो वार्ता हुई है इस अनुसार हमको लगता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट यहाँ किया है उसको 1 से 2 दिन के अंदर पूर्ति करेंगे। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में शहर में इस तरह कोई घटना नहीं हुई है, और पुलिस जो निरोधात्मक कार्रवाई करती है उसके माध्यम से भी अपराध नियंत्रण पे काफ़ी अंकुश लगाए गए हैं, और जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 1.5 साल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उसका उद्भेदन त्वरित गति से किया गया है, और इस मामले में भी हम लोग बहुत क्लोज हैं और बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करेंगे और जो अपराधी है उसको बहुत जल्दी करेंगे। बहुत जल्द सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हो रहा है, कई टीम काम कर रही है, बहुत जल्द हम लोग इसका उद्भेदन करते हुए सारा रिजल्ट आपके सामने। बैठक में क्या निष्कर्ष? बैठक में एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो व्यवसायी संघ है जो हमारे व्यापार करते हैं व्यवसायी संघ उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सारे बिंदुओं पे उनका सुझाव भी लिया गया है। पिछले हफ्ते भी बैंकर्स के साथ और स्वर्ण ज्वेलर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की, आज भी कई बिंदुओं पे बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। इन आपके माध्यम से इन लोगों को हमने आश्वासन भी हम लोग दे रहे हैं कि जो भी हुआ है बहुत जल्दी इसका उद्भेदन होगा, और इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो भी तैयारी की है चाहे वो गश्ती की हो या पिकेट की हो, टाइगर मोबाइल के माध्यम से हो, सैन्य दल के माध्यम से हो, गश्ती के माध्यम से हो या 112 के माध्यम से हो, हर तैयारी से इनको हमने अवगत कराया है और एक अच्छे माहौल में ये चीज़ें सम्पन्न हुई है। आज लोग अपनी सोलिडारिटी और जो भी दुख था शोक था वो व्यक्त किया गया है दुकान को बंद करा करके, क्योंकि एसेंशियल सेवाएं हैं, इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये चीज़ें बहाल हो जाएंगी शाम से और ये बहाल रहेंगे, और हम लोग भी अपराध के उद्भेदन में हम लोग के उनका सहयोग मिलेगा मिल रहा है और हम लोग बहुत जल्द इसका उद्भेदन करेंगे। कहाँ जाते हैं कई बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, कई लोगों को हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, हर बिंदु पर जाँच हो रही है, हर बिंदु पर जाँच हो रही है। मैंने क्या क्या हर बिंदु पर जांच हो रही है, कई लोग हिरासत में लगे हैं, कई लोग से पूछताछ हो रही है और बहुत जल्द हम लोग बदलेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, व्यापारी के बेटे की हत्या हुई है, आज बाजार बंद कर रहा है, आप बैठक किए हैं, क्या कुछ डिस्कस किया? देखिए जो भी घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, लगातार पुलिस प्रशासन उस पर लगी हुई है और हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं मामले के उद्भेदन के, और आने वाले 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को अवगत करा देंगे। इसके अलावा जो आज सारे व्यापारी समुदाय के द्वारा एक जो एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो एक इन लोगों के द्वारा आज दुकान बंद रखी गई थी,
तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो इसी को फंक्शनल रखेंगे एज इट इज़, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई है। मैं इनके उस फैसले को वेलकम करता हूँ जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से सभी व्यवसायी और अन्य जो भागलपुर के जो लोग हैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग इसका त्वरित गति से सफलतापूर्वक उद्भेदन करेंगे और एक जो थोड़ा सा डर का माहौल बना है इसको आप लोग इससे निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और हम लोग लगातार जो भी कमियाँ हैं अभी हम लोग के उसको हम लोग लगातार अपने मॉनिटरिंग के अंदर उसको दूर करेंगे। देखिए अभी चूंकि जांच चल रही है इसलिए इस पर भी कुछ कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, आप लोग बस थोड़ा सा संयम और रखिए, आने वाले एक से दो दिनों में सारी बातें आपसे शेयर की जाएगी। हाँ, परिवार की सुरक्षा की भी बात आई है, जो स्थानीय SHO है लगातार वहाँ पे कैंप कर रही थी लेकिन आज बैठक के माध्यम से हम लोग को सूचित किया गया है, तो हम लोग इसमें वहाँ पे एक डेपुटेशन हम लोग एक कर देंगे ताकि उनको एक जो एक माहौल है उसमें थोड़ी सी सहजता की अनुभूति हो।